माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी हम खड़े हैं यूफा, जहाँ है बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ठीक उसके सामने गस्तनी, गस्तनी नाम से जाना जाता है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। मेरे साथ है जसकरण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जस्सी, शॉर्ट नेम जस्सी, दिल्ली का रहने वाला। तो लास्ट ईयर या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है इसका, फर्स्ट ईयर 2 महीने में खत्म होने वाला है। लास्ट ईयर जूनियर एमबीएस के थ्रू इसमें एडमिशन लिया था। हम इसे जानेंगे इसका एक्सपीरियंस, द फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके हॉस्टल का कैसा इसका जर्नी रहा अब तक, उसमें हमारा क्या रोल रहा स्टार्टिंग से लेके, जिस फैसिलिटीज था, जैसे कि हमारा काम कंसल्टेंसी का, ऑफकोर्स वी आर डूइंग मार्केटिंग, ऑफकोर्स आई एम डूइंग दिस टू प्रमोट माई सेल्फ, माई कंपनी एंड यूनिवर्सिटी ऑल्सो। अभी तो न्यू एडमिशन आएंगे, न्यू क्लाइंट्स आएंगे, भाई धंधा है, धंधा अभी फूड का सर्विस तो है नहीं, सर्विस चार्ज तो सबको लगता है, बट फिर भी एक कनेक्शन बन जाता है बच्चों के साथ, वो बड़ी चीज़ है। तो जस्ट कम बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट इंप्रेशन डिटेल में जो भी तुम शेयर करना चाहो उन आने वाले जूनियर्स के लिए जिसको तुम गाइड करना चाहो, एक उन्हें पता हो तुमने क्या फेस किया। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट जो इम्प्रेशन था वो तो अच्छा था ही, अच्छे से मैंने रिसर्च वगैरह सब कुछ की थी आने से पहले, और काफ़ी उससे मिलता जुलता, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉइंट सब सेम ही रहे, कुछ भी ऐसे धोखाधड़ी या फ्रॉड वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था। एंड सिटी की अगर बात करें जहाँ ये है सिचुएटेड उफा, ये काफ़ी वेल सेटल्ड है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के हेल्पफुल हैं, प्लस जो पहले से सीनियर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, मेरे को सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया मेरे को इधर सेट होने में, आज भी हेल्प कर रहे हैं, अभी भी हेल्प। स्टार्टिंग वाला बताओ जो तुम्हारा हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है, वो शेयर करो स्टार्टिंग में। तो देखो बाकी भी बच्चे आएंगे ना जूनियर्स, वो भी जो पहली बार कॉलेज आएंगे तो उनका भी कुछ एक और माइंड बना होता है कि अब्रॉड जा रहे हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन आते हैं उनको भी ऐसा ही लगेगा जैसा तुम्हें लगा, तो ये अगर उसे तुम शेयर कर दोगे तो शायद वो आए तो उन्हें ऐसा ना लगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ऑलरेडी ऐसा लगता है, ठीक है, तो तुम्हें भी ऐसा लगा होगा। तो हम हॉस्टल में आए थे, यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल बगमू ने बना रखे, मैंने हॉस्टल नंबर 5 में हुआ था, तो जो कॉस्ट है हॉस्टल की इन्होंने 14,000 रूबल के अराउंड लिया था, कॉस्ट कम थी, तो एक मन में था कि पता नहीं कैसा होगा सब कुछ, बट जब एंटर किए तो फर्स्ट इम्प्रेशन हॉस्टल का वॉज नॉट गुड, क्योंकि सेकेंड थर्ड और फोर्थ हॉस्टल नए बनाए हुए हैं, सिक्स्थ भी, बट फिफ्थ हॉस्टल का रेनोवेशन अभी चालू है, तो पहला इम्प्रेशन अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे जब एक दो दिन उधर रहा, बैठा, सब ऑब्जर्व किया, तो अच्छा लगा। अभी तो ये वहाँ रहने को तैयार नहीं था, स्टार्टिंग में तो मैं रहने को तैयार नहीं था, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है फोर्थ हॉस्टल, सेवन्थ हॉस्टल, मैं तो कह रहा था कि बस किसी भी कीमत में मेरे को उधर भेज दो जो फारूक भैया का तो बहुत बोला था बट खाना वाना नहीं खाया था, खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा, बट एक दिन वहां रुक गया, उसके बाद अब उसको पसंद, उसके बाद अब वहां से निकलने का मेरे को कितने चांसेस मिले कि मैं सेवन्थ में भी ले सकता, जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, सिक्स्थ में भी ले सकता, अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा, अब अच्छे से सब सेट हो चुका है। इसका मतलब कोई भी नया बच्चा आता है तो उसे ये कि दो दिन के टाइम देना चाहिए, हाँ टाइम देना चाहिए, और आपको पहले समझना चाहिए, सीधा चीजों को देख के आप ऐसे नहीं कर सकते कि डोंट जज इट, तब तक जो आज खराब लग रहा हो कल को, हाँ कल को वही जन्नत लगे, जैसे जन्नत लग रहा है मेरे को, जन्नत लग रहा है। युवा तुमको बहुत पसंद आया, मैंने देखा युवा बहुत पसंद आया, और जितना इजीली तुमने अडॉप्ट किया युवा को, इसमें आई थिंक रोल सीनियर्स का है, सीनियर्स का रोल तो रहता ही है पहले से, यस, बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिटी है, और मतलब सब कुछ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का, इट्स वेरी नाइस, और जो एक सपना होता है बच्चे का कि हाँ अब्रॉड जाके हमको ये चाहिए वो चाहिए, हाँ वो सपने पूरे हो रहे खर्चे ज़्यादा लग रहे, नहीं खर्चा तो आप कहीं पे भी हो, इंडिया में भी खर्चा तो लगता ही, 35,000 महीने का। कॉलेज कैसा है, पढ़ाई कैसा है? पढ़ाई अच्छी है, और हर कॉलेज में होता है, एफर्ट्स टीचर अपनी तरफ से डालते हैं, बट जब तक बच्चा एफर्ट ना दिखाए वो भी ज़्यादा नहीं डालते, बट एज सून एज यू शो कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, हाँ तो टीचर्स का फुल सपोर्ट रहता है, टीचर सपोर्ट यू अ लॉट। हॉस्पिटल क्लिनिकल कैसा है? क्लिनिकल हमारी अभी ड्यूटीज लगेंगी हॉस्पिटल की, हम पहले भी 8th हॉस्पिटल में हमारी फर्स्ट एड की ड्यूटीज लगती हैं, पेशेंट से हमारा इंटरेक्शन है, लैंग्वेज बैरियर रहता है क्योंकि अब एकदम से जाके तो हमें पेशेंट से ऐसे डील करने को नहीं देंगे, बट धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। 2-3 साल टाइम लेगा रस्ते में, कितना सीखा रस्ते में अभी तक? चल रहा है कोर्स काफी, हाँ मेरी, हाँ टीचर्स जो रशियन फैकल्टी है वो तो बहुत ही अच्छी है, ये
हर 15 डेज में कोई ना कोई इवेंट भी करते रहते, ओलंपियाड लैंग्वेज का कुछ भी मतलब, और बहुत एफर्ट्स डालते, मतलब हर एक जो टीचर है जो रशियन सिखाते, मैंने ऑब्जर्व किया कि हर टीचर काफी एफर्ट्स डालते हैं सिखाने के लिए। सीखना चाहो तो यस मैंने, अब बताओ जब तुम कॉलेज का वन शॉट डिस्क्राइब करना होगा तो जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे जो बस के स्टेट आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जो एस्पायर करें, न्यू एस्पायरेंट है इस साल? इस साल तो और भी बढ़ रहा है कंपटीशन, आई थिंक 20 लाख बच्चों ने और फॉर्म लिया, तो यहाँ पे भी तीन तीन साल ट्राई करके यहाँ पे भी बच्चे आए हुए हैं और वो यहाँ पे बहुत हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं। उनको उनके मन में है कि यार ये डिसीजन हमको शायद पहले ले लेना चाहिए था, एक गिल्ट, हाँ गिल्ट भी है। कोई तीन तीन साल करके आया, कोई चार चार साल करके आया हुआ है, मेरे साथ के कितने हैं अब तो वो फोर्थ ईयर में होते हैं, ये वो फोर्थ ईयर में होते, बट अब वो सब स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स टफ, अगर सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे, टाइम की वैल्यू सबसे अधिक है, डिसीजन अच्छा हो टाइम सही ना हो। यस, अब तो ड्रीम एमबीएस का क्या रहा, जब तो हमारे पास आया तो हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। पहले हमको ऐसे एक ना होता है ना, बच्चा बाहर जा रहा है कैसे भरोसा कर, क्योंकि हमारी फैमिली से कभी कोई बाहर गया नहीं था एमबीबीएस स्टडी करने या किसी और कोर्स में भी बाहर, तो और किसी एक आदमी के ऊपर ऐसे इतना या कंसल्टेंसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना कि हाँ ट्रस्ट करना, ट्रस्ट इश्यू सबको ही आते हैं, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, बच्चे से रिलेटेड तो पेरेंट्स काफी कंसर्न रहते ही हैं। तो पहले तो था, बट जैसे इधर आए, जब चीजें जो जो आपने बोली थी, जब वो सब सही होने लगी, जब सच होने लगी, तो हाँ फिर लगा कि हाँ। ड्रीम एमबीबीएस को कितना रिकमेंड करोगे? ड्रीम एमबीबीएस को मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने बहुत बच्चों को मतलब काफी हाई चार्ज किया है और बच्चे बहुत मुश्किल से कैसे भी करके चार्ज करके अपना आए हैं इधर। अब्रॉड जो भी आता है मिडिल क्लास फैमिली से ही आता है, फाइनेंसेस सॉर्ट करके कुछ विजन लेके अब्रॉड जाने का जो सपना होता है, फाइनेंस मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। 20-25 लाख खर्च करना हो साल का तो इंडिया में नहीं करें, अब्रॉड क्यों आना है? तो वैल्यू फॉर मनी, हाँ आप बताओ बस्ती में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं? वैल्यू फॉर मनी तो है, लिविंग स्टैंडर्ड अगर कोई बच्चा मिडिल क्लास से आ रहा है तो क्या 10,000 में सर्वाइव कर पाएगा? अगर आप 10,000 में बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं, बच्चे 5,000 में भी सर्वाइव कर रहे हैं, तुम्हारा 35 क्यों लग रहा है? हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। नहीं, जैसे मैं लड़का बहुत अच्छा है, इसने बहुत इजीली अडेप्ट कर लिया है और यूफा को समझ चुका है, और जो रसिया समझ गया वो आई थिंक उसका 6 साल या कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, अच्छे से होपफुली ये पढ़ के जाएगा और मुझे लगता है एग्जाम भी क्लियर कर लेगा पहले टाइम। कोई भी डाउट हो इसका इंस्टा आईडी यूजर नेम जो भी है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे खुद बात कर सकते हैं, इसको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तब तक के लिए टेक केयर, मैं ऐसे और भी दिखाते रहूँगा आपको रसिया क्रास में, कोई भी डाउट आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर इससे खुद बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।